बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सलीम खालिक और आप देख रहे हो प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ शुरू होने वाली है और बांग्लादेश के खिलाफ जो हालिया सीरीज़ हुई, दोनों मैचेस पाकिस्तान हारा, उसके बाद शायकी नाराज़ हैं। पहले ही नाराज़ थे वर्ल्ड कप वगैरह की वजह से, लेकिन जब बांग्लादेश के खिलाफ हिस्ट्री में पहली बार वाइट वॉश हुआ तो लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। वो कहते हैं यार अब हम तो क्रिकेट देखेंगे नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन आपको पता है कि ये सब बातें ऐसी होती हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं और हमारे खून में रची बसी है क्रिकेट। तो जैसे अपनों को कभी गुस्सा आता है, थोड़ा डांट देते हैं, फिर जब कुछ अच्छा होता है तो दोबारा दादो तहसीन बरसाते हैं। तो क्रिकेटर्स का भी यही हाल है कि जब वो बुरा खेलते हैं तो लोग नाराज़ होते हैं और जब अच्छा खेलते हैं तो दोबारा से तारीफें शुरू हो जाती हैं। तो होपफुली इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में ऐसा होगा। तो सीरीज़ में कैसा नतीजे सामने आ सकते हैं, कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा, बाबर आजम ने जो वाइट बॉल कैप्टनसी छोड़ी है, डिसीशन कैसा है, इन उमूर पर गुफ्तगू करने के लिए हमें आज ज्वाइन करेंगे दुबई से मुदस्सर नज़र, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर हैं, इन दिनों यूएई की जूनियर टीमों की कोचिंग कर रहे हैं, उनकी अकेडमी को भी वहाँ पर देखते हैं वो। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सर साहब, आपने ज्वाइन किया। और आपने देखा होगा बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ हुई, बहुत गैर मयारी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस थी। हम लोग तो तवक्को कर रहे थे कि तीन तीन दिन में बांग्लादेश को हराया जाएगा और 2-0 से जीतेंगे, लेकिन यहाँ तो उलट हो गया, दोनों टेस्ट हम लोग हार गए। और उसके बाद अब इंग्लैंड से सीरीज़ होने वाली है, वो इंग्लैंड जिसने 2 साल पहले 3-0 से पाकिस्तान को हराया था और उनमें से एक मैच में तो ऐसा भी हुआ था कि एक दिन में ही 500 से ज़्यादा रन बनाए थे। बेस्ट बॉल जो एक उनका जारियाना अंदाज़ है क्रिकेट खेलने का, अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस कैसे रहेगी इंग्लैंड के खिलाफ, और क्या इजाफी दबाव होगा बांग्लादेश के खिलाफ जो नाकिस परफॉर्मेंस रही उसका? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की रीसेंट परफॉर्मेंसेस जो हैं कोई इतनी अच्छी नहीं है, स्पेशली एट होम, जो कि बड़ा एक सरप्राइजिंग फैक्टर है। इसकी कुछ वजूहत तो हैं, लेकिन आई एम क्वाइट होपफुल कि हमारी टीम इस दफा इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस देगी। उनका जो मेन सेट था वो आना था वुड से, जो कि 90+ पे बॉल करता है, बाउंसर भी मारता है, यॉर्कर भी मारता है, क्रीज भी यूज करता है, रिवर्स स्विंग बड़ी जबरदस्त करता है, और रिवर्स जब स्पीड के साथ की जाए तो बहुत कारामद होती है, और मुझे उससे थोड़ा सा खदशा लगा हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काफी इंजरी प्रोन है, इसलिए ये सीरीज भी मिस कर गया है। तो पाकिस्तान स्टैंड्स वेरी गुड चांस प्रोवाइडिंग हम रन करें, हमारे बैट्समैन जो हैं वो इंग्लैंड की इस अटैक के खिलाफ, जो कि इंग्लैंड में तो बहुत जबरदस्त है अटैक, पाकिस्तान में कोई इतनी खास नहीं है। इन द पास्ट अगर इस तरह की टीम पाकिस्तान आती तो बड़ी आसानी से हार के चली जानी थी उसने। उसके जो मीडियम पेसर्स हैं सारे थोड़े लंबे तो हैं, लेकिन रिवर्स भी करेंगे तो कोई इतनी ज्यादा स्पीड नहीं होगी उनकी, सिर्फ एप्लीकेशन की जरूरत है। पाकिस्तानी सीनियर बैट्समैन जो हैं वो अगर रन कर देते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि शायद ये थोड़ी सी स्पिन पे चिप्स ही बनाएंगे, क्योंकि नुमान की सिलेक्शन हुई है और इज अ वेरी फाइन बॉलर, तो हो सकता है ये सोच रहे हूँ कि हम उनको स्पिन से मारेंगे। लेकिन एक है थ्रेट इनको, जो बेन डकट की तरफ से लास्ट टाइम भी आया था, को बड़ा अनकन्वेंशनल है, वो सीधे बॉल को भी स्वीप मार देता है, उल्टी स्वीप भी मार देता है और बहुत तेज खेलता है, हावी हो जाता है। ओपनिंग पे उनका बहुत अच्छा है जैक क्रॉले, इन गुड फॉर्म, लास्ट टाइम वो उसने भी रन किए थे, ओली पॉपर, इनफैक्ट उनके सारे बैट्समैन ही रन करके गए थे लास्ट टाइम अगेंस्ट पाकिस्तानी अटैक। हैरी ब्रुक ने बहुत अच्छा, उसका पहला टूर था, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी उसने। तो थ्रेट तो है पाकिस्तान को बैटिंग में, खासकर इंग्लैंड की, अगर उसकी उनकी एग्रेशन काम आना शुरू होगी, सो मच सो के लास्ट टाइम पाकिस्तान में एक मैच में 500 रन भी बनाए थे फिर भी मैच हार गए थे। तो लेकिन होम एडवांटेज तो है पाकिस्तान को और होना भी चाहिए। अब पाकिस्तान की पेस बॉलिंग क्या करती है, जो कि बड़ा एक सरप्राइजिंग फैक्टर है कि दुनिया के जो बॉलर आते हैं पाकिस्तान में वो रिवर्स शुरू कर देते हैं और हमारे बॉलर से रिवर्स नहीं हो रहा रिसेंटली, और अगर रिवर्स नहीं होगा तो फिर तो खुदा ही हाफिज है, क्योंकि एक चीज के लिए पाकिस्तानी माने जाते हैं वो है रिवर्स स्विंग। जैसे आपने जिक्र किया रिवर्स स्विंग का, एक ज़माने में वसीम अकरम और वकार यूनुस के रिवर्स स्विंग के बड़े चर्चे थे, और रिवर्स स्विंग की इजाद ही पाकिस्तानियों ने की सरफराज नवाज ने जब पहली बार ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं, आपने जैसे निशानदेही की, रिवर्स स्विंग हो नहीं रही, तो क्या वजूहत हैं इसकी?
मुझे मेरे खुद में हैरानी है, देखें रिवर्स जो होती है ना वो सब कर सकते हैं, सबका होता है, कितना ज्यादा होता है कितना कम होता है डिपेंड कर रहा होता है आपके बॉलिंग एक्शन के। फॉर इंस्टेंस मेरा कुछ ज्यादा हो सकता है नसीम शाह से या उसका ज्यादा हो सकता है, मेरा डिपेंडिंग ऑन द बॉलिंग एक्शन। लेकिन मेरे जैसा बॉलर जो है वो पाकिस्तानी पिचेस पे रिवर्स कर भी रहा हो तो बेस से मार खा जाता है, डिफेंसिव बॉलिंग कर लेगा, विकेट पांच पांच चार चार पांच पांच लेनी मुश्किल हो जाता है। वेयर एज समबडी लाइक नसीम या शहीन ये विकेट भी ले सकते हैं रिवर्स करने के बाद, और क्यों नहीं हो रहा ये तो इनसे पूछना चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने रिसेंट पास में जितने भी बॉलिंग कोचेज रखे हैं वो गोरे रखे हैं, पाकिस्तानी कोच को मसल से काम करने नहीं दिया गया जिनको भी आर्ट आता है। और मेरी रिक्वेस्ट तो यही होगी कि कोई ऐसा साथ होना पाकिस्तान टीम के साथ होना चाहिए मुसलसल तौर पे जो बॉलर के साथ काम करे। आपने कहा पाकिस्तान स्पिन पिचेस बनाएगा, लेकिन क्या स्पिन पिचेस बनाने का फ़ायदा होगा? क्या हमारे पास ऐसे स्पिनर्स मौजूद हैं जो इंग्लैंड को परेशान कर सके? अभी रिसेंटली आपने देखा एक मैच में तो कोई स्पिनर ही पाकिस्तान ने नहीं खिलाया था, इसका मतलब है ट्रस्ट ही नहीं है किसी के ऊपर। तो क्या लगता है आपको? सलीम साहब आप बात वजह फरमा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखे ना पाकिस्तान एक तो ग्रेटर हिस्सा ले लिया है कि जो स्पिन पिचेस बनाता ही नहीं है, मैंने उसके साथ बहुत काम किया, वो उसको आदत है घास छोड़ने की पिचों पे बहुत ज्यादा। और आपने देखा राहुल विंडी टेस्ट में इन्होंने घास तो छोड़ा लेकिन इन्होंने एक स्पिन बॉलर नहीं खिलाया तो पूरी तरह पर मार खाई। बगैर किसी स्पिन बॉलर के पाकिस्तान के पिचों पे टेस्ट मैच में चले जाना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, कि जितना मर्जी घास हो पाकिस्तानी पिचेस पे नवंबर अक्टूबर में सितंबर में विद इन द फर्स्ट 2 आवर्स वो सारा जल जाता खत्म हो जाता है और पिचेस यहाँ सीधी हो जाती है और बाद में थोड़ा स्पिन लेना शुरू कर देती है जो कि पिचेस ने लिया। अब अगर आप एक किसी स्पिनर को खिलाते ही नहीं तो इसका मतलब यह है कि आप क्या कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं अपने स्पिन बॉलर्स में। बैट्समैनों की तरह बॉलर्स को भी कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। अगर आप किसी को नंबर 8 पे बैटिंग करें किसी बैट्समैन को तो वो बिल्कुल नंबर 8 की तरह बैटिंग करता है। इसी तरह द ग्रेटेस्ट थिंग यू कैन डू इज बाय नॉट प्लेइंग स्पिन बॉलर और प्लेइंग स्पिन बॉलर एंड नॉट बॉलिंग इन द मैच, तो इससे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही चला जाता है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैचेस होने चाहिए थे, स्पिनर्स को खिलाना चाहिए था और लंबे लंबे स्पेल देने चाहिए थे उनको। अब्दुल कादिर कई दफा बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा होता था और कई दफा इमरान उसको शील्ड करता था, जब उसको दूसरी टीम के कोई लंबा स्टैंड हो गया बॉलर्स पे हावी है दूसरी टीम तो वो सब अटैक में से निकाल लेता था, और जैसे टेलर आते थे उसको वो 2-3 मीटर तलवा देता था ताकि अगले मैच के लिए अब्दुल कादिर तैयार हो जाए। शान मसूद को गुज़िश्ता साल कप्तान मुकरर किया गया था दौरे ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ के लिए, जहां पाकिस्तान 3 मैचेस हार गया, और वो गैर मुतवक्के नहीं था क्योंकि बड़े बड़े कप्तान पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन जो बांग्लादेश से होम सीरीज़ हुई उसमें जो शिकस्त थी वो एक गैर मुतवक्के रही, जिसकी लोग काफ़ी नाराज़ भी हैं, जिसपे 7 परफॉर्मेंस भी शान की इतनी अच्छी नहीं है, 5 टेस्ट हार चुके, अपनी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है, तो इससे इजाफी दबाव के शिकार तो होंगे वो। क्या कह सकता हूँ यार, आपने खुद ही सारा कह दिया। एक बड़ा अजीब सा कनंडम सा है पाकिस्तान क्रिकेट में, वो ऑब्वियसली मिकी आर्थर के काफी फेवरेट थे और मिकी आर्थर ही उनको कप्तानी के रूप में देखना चाहता था, ऑल्दो मिकी वाज वेरी क्लोज टू बाबर अजहर। और अनफॉर्चुनेटली एक तो कप्तानी की बात है, उनका जो मेजर डिपार्टमेंट है बैटिंग का उसमें वो रन नहीं कर पा रहे, और जब कप्तान गिर जाता है तो टीम गिर जाती है। वेस्ट इंडीज की टीम जो अंडर क्लाइव लॉयड थी उनका सबसे बड़ा काम वो ये करते थे कि दूसरे कप्तान पे हावी हो जाते, हमला करते थे उस पे, और जब वो कप्तान गिर जाता था तो आसानी से भी टीम को मार देते थे। इमरान को इसलिए लोग ज्यादा मानते थे क्योंकि वेस्ट इंडीज के सामने टच जाता था, उस टीम के सामने खड़ा हो जाता था और उसकी परफॉर्मेंस जो थी दूसरी टीमों के मुकाबले से वेस्ट इंडीज के खिलाफ बेहतर होती थी। अब इस कप्तान का देख लें बेचारे से स्कोर नहीं हो रहे, अपना कॉन्फिडेंस लेवल गिरा हुआ है और तो इस पे टीम पे काफी नेगेटिव असर पड़ता है। पाकिस्तान की जो शिकस्तें नज़र आ रही हैं, या 2-2.5 साल से होम ग्राउंड पे हमने मैच नहीं जीता कोई टेस्ट, तो उसके अगर वजूहात का जायज़ा लिया जाए तो नज़र आएगा कि हमारे जो टॉप ऑर्डर है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अब्दुल्ला शफीक हैं या शान मसूद, बाबर आजम, ये सारे प्लेयर जो हैं, इवन अगर आप इसमें सऊद को भी शामिल करें शकील को, एक आध बड़ी इनिंग के बाद
वो फिर ऐसा नज़र आया, खेल नहीं पाए बड़ी इनिंग्स। तो ये सारे प्लेयर जो परफॉर्म नहीं कर पाते, इसका टीम पर भी दबाव पड़ता है। तो आपको क्या वजूहत नज़र आती है कि जो अपने ग्राउंड पर तो बड़े शेर होते थे एक ज़माने में पाकिस्तानी बैटर्स, तो अब क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हैं? जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं ना, एक तो टीम में एक तो चेंजेस होती हैं, और वैसे बेस्ट टाइम टू गेट इन टू फॉर्म इज बाय प्लेइंग इन द होम सीरीज। तो पाकिस्तानी पिचेस पे जहाँ आपको बैटिंग खेलनी भी पिचेस होती हैं, हमें भी जिसका बहुत फायदा हुआ अपने करियर में, तो ये तो आसान होना चाहिए इनके लिए। सारे जितने चारों नाम आपने लिए हैं और चारों बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं और चारों बड़े कंसिस्टेंट थे अभी रिसेंट, अपार्ट फ्रॉम द कैप्टन, बाकी जो जो नाम लिए ये सारे बड़ी कंसिस्टेंटली रन करते आ रहे थे। साउथ स्किल की एक सीरीज खराब गई है थोड़ी सी, और उसमें भी एक अच्छा स्कोर किया उन्होंने, अब्दुल्ला शफीक जब से आया है स्कोर कर रहा था, रिसेंट पास में उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी खराब हुई है, लेकिन हम फुल होपफुल के पाकिस्तान पिचेस पे अगेंस्ट दिस बॉलिंग अटैक वो पाकिस्तान को अच्छा स्टार्ट देगा। बाबर आजम ने कैप्टनसी छोड़ दी वाइड बॉल की, और पहले भी उनको जब कहा गया था कि जी आप टेस्ट में कप्तानी जारी रखें, वाइड बॉल छोड़ दें, तो उन्होंने तमाम तर्ज में कप्तानी छोड़ दी थी। अब फिर वो वाइड बॉल की कैप्टनसी वो छोड़ चुके हैं, और कहा ये जा रहा है कि शायद उनको इशारे मिल गए थे कि जी हटाया जाएगा ख़ास तौर पर T20 कैप्टनसी से। तो आपको कैसा लगता है बाबर आजम का ये डिसीजन? बड़े लोग आए, छोटी उम्र में कप्तान बना दिए गए, दे वर वेरी फाइन प्लेयर्स, तो इवेंचुअली उनको इसका नुकसान हुआ, और कप्तानी की वजह से उनकी बैटिंग फॉर्म भी गई और फिर टीम में जगह भी खराब हुई उनकी। बड़ी मसाले मैं दे सकता हूँ। और दूसरी तरफ अगर देखें तो जो है सक्सेस स्टोरी है दोनों, एक धोनी और दूसरा ग्रेम स्मिथ साउथ अफ्रीका के, वो दोनों 24-24 साल में शायद उनकी एज थी जब उनको कप्तान बनाया गया, लेकिन फर्क, दोनों इतने ग्रेट प्लेयर्स थे जितने बाबर आजम, लेकिन फर्क ये है कि मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग दोनों। अगर आप दुनिया में कोई 20 नाम लें जब 200 साल से क्रिकेट हो रही है, तो इन दोनों का नाम आएगा उसमें। तो छोटी उम्र में जब अगर आपको इतनी जल्दी कप्तान बना दिया जाता है, तो यू हैव टू बी मेंटली वेरी वेरी स्ट्रांग, हर तरह का ऑन एंड ऑफ द फील्ड आप चीजों को हैंडल कर सके। बाबर में थोड़ा सा इसका वो उनके मुकाबले में थोड़ा नीचे था, और अब इवेंचुअली उसको नुकसान हुआ, और नुकसान तो खैर पूरी टीम को, कुछ जैसे मुख्तलिफ बोर्ड आते हैं बड़ी जल्दी चेंज हो जाते हैं, नई नई पॉलिसीज आ जाती हैं, नए नए कैप्टन आ जाते हैं, पाकिस्तान टीम की जो रिसेंट बैड परफॉर्मेंसेस उसमें इस चीज का बहुत बड़ा हाथ है कि जो इतनी तेजी से कप्तानियों में चेंजेस लाई गई, छोटे लड़कों को कप्तान बनाया गया, उतार दिया गया टीम में, फिर से ऑब्वियसली ग्रुपिंग बनती है। ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, इन दी 80s आई ऑलवेज बिलीव के इंडिया चाहता ही नहीं था कि उनकी टीम जीते, क्योंकि उसने एक टीम में 7 कप्तान खेल रहे होते, तो 7 डिफरेंट डायरेक्शन में टीम जा रही होती, जिसका हमें तो बहुत फायदा होता था लेकिन इंडियन टीम को नुकसान होता था उसका। अगर आप मीडिया की बात करें तो मेरे जैसे सहाफ़ी रोज़ 3 प्लेयर्स के नाम दे रहे हैं कि जी ये कप्तान बनने वाला है, रिजवान बन रहा है, फ़खर बन रहा है, ऐसा बन रहा है, वैसा बन रहा है। जब हमारे 11-12 नाम हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद ज़ाहिर उनमें से कोई एक कप्तान बनता है, फिर हम लोग क्लेम करते हैं मीडिया वाले के, देखो मैंने तो पहले ही खबर दे दी थी कि ये कप्तान बनेगा, और वही कप्तान बना। आपसे ज़ाहिर है आपकी गहरी नज़र है क्रिकेट पर, लोगों से आपकी बात भी होती रहती है, आपका क्या ख्याल है किसे कप्तान बनाना चाहिए? अभी इनके पास चॉइस ही कोई नहीं जाएगी, सबको तो ट्राई आउट कर लिया है एक्सेप्ट रिजवान। आप रिजवान को बनाएंगे ऑल ऑफ द इनर सर्कल एट द टॉप मैनेजमेंट लेवल, वो इतना मेरे नहीं ख्याल वो इतना खुश हैं रिजवान से, लेकिन मजबूर उनको उसको उसी को बनाना पड़ेगा, वरना किसको, किसी छोटे लड़के के पास जाएंगे तो फिर वो बाबर आजम वाला काम स्टार्ट हो जाएगा। बेहतर यही है कि किसी सीनियर प्लेयर को कप्तान बनाया जाए और इसके नीचे ला के किसी को ग्रूम किया जाए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक कैप्टन हो तीनों तर्ज में, मोहम्मद रिजवान का नाम भी ले रहे हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लेकिन कहा जाता है बोर्ड बाज़ वजूहात के बिना पर उनको क़यादत सौंपने से गुरेजा है, और आपको बेहतर पता होगा क्या वजूहात हैं वो। आपको क्या लगता है, क्या हमारे यहाँ भी यही तजुर्बा करना चाहिए कि एक कैप्टन बनाएं जो तीनों तर्ज के क्रिकेट में कैप्टनसी करें? मेरे ख्याल में अगर उसको रिजवान को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना देते हैं तो बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए। बांग्लादेशी टीम पाकिस्तान में आई, बहुत बुरी तरह हमारी टीम को शिकस्त दी, वही बांग्लादेशी टीम जब भारत गई तो भारत ने उसका बहुत बुरा हाल किया, और आपने देखा होगा कि दो दो ढाई ढाई दिन में मैच ख़त्म हुआ, बिल्कुल खेला ही नहीं गया।
तो हमारे हारने की क्या वजूहत थी? क्या उस वक्त बांग्लादेशी टीम वाकई बहुत अच्छा खेली थी या हम लोग बहुत खराब खेले थे? दोनों ही हमारी तो बुरा खेल ही रही है, लेकिन इंडिया की टीम इस वक्त डिफरेंट लेवल पे है। आप इंडिया की जो दो लास्ट दो सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया इंडिया जीत के आया, वो उनसे उनका बॉलिंग अटैक जब से बुमराह है वो डिफरेंट लेवल पे चला गया हुआ। उनकी क्रिकेट जब से आईपीएल शुरू हुई है बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे है। हम ऐसे पाकिस्तानी इसको माने या ना माने, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दे आर वेरी गुड साइड, ए ब्रिलियंट साइड। सारे उनके जो है कॉर्नर्स ने कवर किए हुए हैं उनकी। अगर आप इंडिया की क्रिकेट को देखें, उनकी फैसिलिटीज को देखें, उनके स्टेडियम्स को देखें, और जैसे बीसीसीआई ने अपने क्रिकेटर्स को लुक आफ्टर किया पास्ट एंड प्रेजेंट को, वो क्रिकेट बहुत आगे चले गए होंगे। आप तो शायद इंटरनेशनल मार्केट में नहीं है, मैं तो रहते ही इंटरनेशनल मार्केट में, मैं तो रोजाना उनसे उठता बैठता हूँ, देखता हूँ, उनके बात करने का अंदाज ही चेंज हो गया वो। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सर नज़र साहब। तो मुदस्सर नज़र की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना था कि इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तान हरा सकता है, ये नहीं समझना चाहिए कि बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त हुई है तो अगली सीरीज भी जीतना नामुमकिन है। उनका कहना था कि जिस तरह की पाकिस्तान की पिचेस हैं वहाँ इंग्लैंड की टीम स्ट्रगल करेगी और पाकिस्तान के पास अच्छा मौका है जीत का। बाबर आजम के डिसीजन को उन्होंने अच्छा करार देते हुए कहा कि रिजवान को कैप्टन बनाना चाहिए। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।